हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि कजल पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, ये प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई थी, जिसके भाग 22 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज भाग 23 में देखेंगे उत्तराखंड के एक वीर पुरुष के बारे में, एक ऐसा पुरुष जिसने ना केवल युद्ध कौशल दिखाया बल्कि अपने ग्राम हित के लिए उसने मलेथा की कूल बनाई थी पहाड़ को चीर कर, और साथ ही अपने कलेजे के टुकड़े की बलि दी थी। तो आज की ये काफ़ी मार्मिक कथा है माधो सिंह भंडारी के बारे में, जिन्हें गर्व भंजक भी कहा जाता है। तो गाइज, देखेंगे इस आज के टॉपिक में माधो सिंह भंडारी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसे इन्होंने कार्य किया था युद्ध कौशल के साथ साथ अपने गाँव के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की महान विभूतियाँ भाग 23, गर्व भंजक माधो सिंह भंडारी। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं माधो सिंह भंडारी का जन्म। तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी है गाइज इसमें। देखिए, इतिहासकारों के पुख्ता सोच न होने के कारण कहीं पे संभवतः 1585 इनका जन्म दिया गया है, लेकिन कहीं पे 1595 है। तो अधिकांश जो राइटर हैं उन्होंने 1595 पे ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। तो यही वर्ष लेकर हम चलेंगे। इनका जन्म हुआ था 1595 संभवत, और जन्म स्थल था मलेथा टिहरी गढ़वाल। इनके पिता जो थे सोनबाण कालो भंडारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सोनबाण कालो भंडारी, जो कि एक वीर योद्धा थे, और गढ़ नरेश ने इनके पिता को इनकी वीरता से प्रभावित होकर काफ़ी जागीर और ज़मीन भी दी थी, ठीक है। तो पिता के ही नक्शे कदम पर चले माधो सिंह भंडारी, और जल्दी ही युवा उम्र में ही माधो सिंह भंडारी पंवार राजसेना में भर्ती हो गए, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1629 से लेकर 1646 तक ये सेनापति रहे पंवार शासक के। उस समय पर जो पंवार शासक थे वो महपति शाह थे। तो महपति शाह के शासनकाल में ये सेना के सेनापति रहे। काफ़ी युद्धों को लीड किया इन्होंने, जिसमें प्रमुख युद्ध था दापा युद्ध। दापा उस समय तिब्बत क्षेत्र में एक प्लेस था, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया है उत्तराखंड का इतिहास, गढ़वाल का पंवार वंश, आप देखेंगे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो दापा अटैक में इसने भाग लिया था माधो सिंह भंडारी ने, साथ ही माधो सिंह भंडारी ने भाग लिया था बिसहर के युद्ध में। काफ़ी इतिहासकार ये बोलते हैं, खासकर गढ़वाल के इतिहासकार जो पंडित हरिकृष्ण सिंह रतोड़ी जी हैं, वो बोलते हैं कि बिसहर नामक जो प्लेस था वहाँ पे युद्ध करते हुए ही माधो सिंह भंडारी वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि महपति शाह ने दापा आक्रमण के लिए किसको भेजा था, ठीक है। तो दापा आक्रमण में महपति शाह भी थे, और साथ में कौन था, सेनानायक कौन था, माधो सिंह भंडारी था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो सबूत मिलता है वो तिब्बत सीमा पर आज भी देखा जाए तो माधो सिंह द्वारा बनाए हुए चबूतरे देखने को मिलते हैं। मतलब जहाँ जहाँ उसकी सेना गई, वो लोग गए, उन्होंने चबूतरे बनाए जो आज भी विद्यमान हैं उस क्षेत्र में। और ये भी बोला जाता है कि गढ़वाल और तिब्बत की जो सीमा है, उस सीमा का वास्तविक निर्धारण करने वाला व्यक्ति भी माधो सिंह भंडारी ही था, ठीक है। तो यह है माधो सिंह भंडारी की, मतलब युद्ध में तो काफ़ी वीरता दिखाई। माधो सिंह भंडारी जब रण में उतरता था, ऐसा बोला जाता है, दुश्मनों के छक्के ऐसे मतलब पसीने हो जाते थे, उनके पसीने उड़ जाते थे, इतना खतरनाक, मतलब इनका एक बॉडी स्ट्रक्चर भी था, काफ़ी हष्ट पुष्ट डीलडोल वाले व्यक्तित्व थे, और साथ ही युद्ध कौशल, जो तलवार कौशल था इनका, काफ़ी ये अतुलनीय था, ठीक है। तो इसको देखते हुए काफ़ी फक्र होता था उसमें पंवार शासक को भी। और इनकी वीरता के बारे में देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ पर कुछ लाइनें हैं जो इनकी वीरता को बयां करती हैं, ये लाइनें दी गई हैं। एक सिंह रण का वर्ण का, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह गाय का, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, ये डिफाइन करती हैं कि माधो सिंह भंडारी की वीरता जो थी वो अपने आप में अद्वितीय थी। तो यहाँ पे एक सिंह रण, मतलब इसका जो पूरा अर्थ निकला, एक सिंह वह है जो रण रण में लड़ता है, और एक सिंह वो है जो वन में रहता है, एक सिंह पूजनीय गाय का होता है, और एक सिंह है माधव सिंह और बाकी सिंह गाय के, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया इन पंक्तियों में कि दुनिया में केवल चार सिंह हैं, चार शेर हैं, एक शेर तो रण में होता है, दूसरा शेर वन में होता है, तीसरा जो सिंह है वो सिंह, सिंह बोला गया यहाँ पे, गाय का होता है पूजनीय, और जो चौथा सिंह या शेर है वो माधो सिंह है, और सिंह गाय का, बाकी इसके अतिरिक्त तो जो और सिंह है वो किस बात के, अर्थात कोई नहीं है, ठीक है। तो ये माधो सिंह की वीरता को डिफाइन करती हैं पंक्तियाँ, ठीक है। इसके बाद देखिए, सबसे जो ऐतिहासिक तथ्य बोल सकते हैं, या सबसे मार्मिक तथ्य बोल सकते हैं, या सबसे बड़ा सामाजिक योगदान बोल सकते हैं माधो सिंह भंडारी जी का, वो है मलेथा की कूल, ठीक है। तो मलेथा की कूल के बारे में बात करने से पहले थोड़ा स्टोरी फ्लैशबैक में जाएंगे यहाँ पे।
देखिए कई यहाँ पे अलग अलग मत हैं। कोई बोलते हैं कि माधव सिंह भंडारी ने देखा मलेथा की जो धरती थी काफ़ी अकाल पड़ गया था, वहाँ पे उस प्यासी धरती में अन्न नहीं उपज पा रहा था, इसलिए माधव सिंह भंडारी ने डिसाइड किया कि पहाड़ी को चीर कर वो एक नहर बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे, जिससे चंद्रभागा नदी का पानी गाँव में आएगा और खेती लहलहाएगी। और दूसरा मत यह है कि सेना से छुट्टी के बाद माधव सिंह भंडारी गांव में आए थे, जो कि आपने अपनी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, छोटी कक्षाओं में एक लेसन है मलेथा की कूल। तो गांव में आए थे माधव सिंह भंडारी, अपनी पत्नी से बोला उन्होंने अच्छी सी सब्जी बना दो, लेकिन जो मलेथा की धरती थी उसमें सिंचाई न होने के कारण वहाँ पर अच्छी साग सब्जियाँ नहीं हो पाती थी, जिसको देखकर माधव सिंह अंदर से काफ़ी विचलित हुए। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस पहाड़ी को काटकर सुरंग बनाऊंगा, जो कि बीच में बाधा बन रही थी पहाड़ी, और सुरंग बनाकर चंद्रभागा नदी का पानी अपने गांव में लाऊंगा मलेथा में, और मलेथा की धरती लहलहाएगी। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कार्य शुरू कर दिया, छेनी हथौड़ी लेकर खुद ही चले गए, और लंबे समय के बाद इन्होंने आखिरकार मलेथा की सुरंग बना ही डाली, मतलब पहाड़ को चीर कर सुरंग बना दी, लेकिन फिर भी पानी गांव में नहीं आया। ठीक है, फिर एक रात इनको सपना होता है, सपने में इन्हें दिखता है कि आपको अपने बेटे की बलि देनी पड़ेगी और तब जाके नदी का पानी दूसरी तरफ गांव मलेथा में आएगा। ठीक है, बड़ा ही भयानक वक्त था माधव सिंह भंडारी जी के लिए, एक पिता अपने पुत्र की बलि कैसे दे सकता है। इस बात को माधव सिंह भंडारी ने अगले दिन अपनी पत्नी से डिस्कस किया, लेकिन उनके पुत्र गजे सिंह ने चुपचाप इस बात को सुन लिया था और अपने पिता को स्वयं ही बोला कि मैं गांव हित के लिए, सामाजिक हित के लिए काम ना आ सका तो मैं किस काम का, अगर मेरी मृत्यु से ही पूरे गांव का विकास होता है, पूरे गांव वालों का भला होता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। और फाइनली हुआ ऐसा ही, माधव सिंह भंडारी ने अपने पुत्र गजे सिंह की बलि दी और उसके सर को मलेथा सुरंग के सामने रखा, और अचानक ही मूसलाधार बारिश होती है और मलेथा के गूल में पानी आता है, जो कि मलेथा की प्यासी की धरती को उसमें सिंचित कर देता है। तो ये एक कथा है और बोला जाता है, ज़्यादातर इतिहासकारों ने अपने जितने भी सोर्स हैं वहाँ पे ये बताई है बात, कि ये बात बिल्कुल तथ्य है, सबूत है, क्योंकि जो गढ़वाल में जितने भी पवाड़े या जितने भी वीर गाथाएं गाई जाती हैं माधव सिंह भंडारी में, वहाँ पे हर जगह पे जिक्र होता है इस चीज़ का। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि माधव सिंह भंडारी ना केवल एक कुशल सेनापति था, वीर योद्धा था, इसके साथ साथ वो इतना मजबूत व्यक्ति था जिसने सामाजिक हित के लिए अपने एकमात्र पुत्र की बलि दी थी। तो ये थी मलेथा सुरंग की पूरी कहानी। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। देखिए मलेथा की जो सुरंग है वो आज भी आप देख सकते हैं, जैसा कि इमेज में पहले दिखाना चाहूँगा, ये है देखिए मलेथा की सुरंग। देखिए पहाड़ी को काट कर अंदर सुरंग बनाई गई है। ठीक है, और एक बड़ी पहाड़ी है ये, काफ़ी टाइम इसमें माधव सिंह जी को लगा होगा। तो इस सुरंग को बनाने के बाद ही जो मलेथा गाँव है वो आबाद हुआ था। मलेथा गाँव में आज भी ये सुरंग जीवित है, 400 साल बाद भी मलेथा की कूल मलेथा गांव के खेतों की प्यास बुझा रही है। और इसी को देखते हुए माधव सिंह भंडारी जी की तुलना माझी द माउंटेन मैन से की जाती है। माझी द माउंटेन मैन तो जानते हैं ना आप, जिसपे एक मूवी बनी थी बॉलीवुड में। बिहार का एक व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी की मौत पर इतना व्याकुल हुआ, वो उसने पहाड़ी काट कर अकेले ही काफ़ी लंबी सड़क बना दी थी। ठीक है, पूरा जीवन सड़क काटने में लगा दिया था और अंततः उसने पहाड़ी को काटकर सड़क बना दी थी। तो इसलिए माझी द माउंटेन मैन से तुलना होती है। वैसे ही सेम लाइक यहाँ पे माधव सिंह भंडारी जी ने भी अथक प्रयासों से, मेहनत से पहाड़ी को काटकर सुरंग बनाई, नहर बनाई और उससे मलेथा की धरती सिंचित हुई। तो माधव सिंह भंडारी पे भी मूवी बननी है, तो माधव सिंह भंडारी पर भी मलेथा की कूल नामक एक मूवी बनी है हमारे उत्तराखंड में, जिसका निर्देशन किया है बलराज नेगी जी ने। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, मलेथा की कूल फिल्म के निर्देशक कौन है? तो मलेथा की कूल जो फिल्म है इसके निर्देशक हैं बलराज नेगी जी। और संपूर्ण गढ़वाल में आज भी जो माधव सिंह हैं, माधव सिंह जी के और गजे सिंह के यहाँ पे पवाड़े गाए जाते हैं, क्योंकि उनकी वीरता और त्याग अपने आप में ही असाधारण है, अपने आप में ही अतुलनीय है, अद्वितीय है। तो इसलिए आज भी पूरे गढ़वाल में माधव सिंह और गजे सिंह की वीरता त्याग के पवाड़े गाए जाते हैं। पवाड़े तो आपको पता है ना, वीर गाथाएं होती हैं जो। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे वीर गाथाएं हैं उनके नाम से और आज भी लोग उनको काफ़ी मानते हैं, देवता तुल्य मानते हैं। माधव सिंह भंडारी का मलेथा में मंदिर भी स्थित है, तो देवता की तरह ही उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे कहना होगा कि देखिए माधव सिंह भंडारी ने सैन्य साहस के साथ साथ एक ऐसा सामाजिक कार्य किया जो आज भी, मतलब लगाइए 400 साल हो गए, 400 साल बाद भी उनकी याद दिलाता है मलेथा के वासियों को और वहाँ के लोगों को, डेडिकेशन भी देता है कि हमारे गांव से एक ऐसा योद्धा था तो क्यों ना हम भी ऐसा ही कुछ कार्य करके खुद को प्रूव करें। ठीक है,
तो गाइज ये था आज उत्तराखंड की महान विभूतियाँ भाग 23। आई होप माधव सिंह भंडारी जी के बारे में जितने भी जानकारी थी मैं जुटाकर आप लोगों के लिए लाया, और मेरे को लगता है आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना ना भूलें। काफ़ी सोर्सेज से जानकारियाँ लेकर वीडियो बनानी पड़ती है, काफ़ी मेहनत का काम है दोस्तों, लेकिन आपके लिए मेरे को अपनी मेहनत कितनी भी कठिन मेहनत तो बड़ी छोटी लगती है, ठीक है। और आप लोगों का मैं चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी बड़ा आपका जो इवेंट होगा लाइफ का, वहाँ पर हमेशा आपको मोटिवेशनल बातें याद आकर वो बाधा पार होनी चाहिए, तब मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। इसी आशा के साथ दोस्तों जल्दी मिलूँगा, अपना ध्यान रखिएगा। माधव सिंह भंडारी की तरह ही बोलता हूँ ना मैं हमेशा, चार चीज़ें ज़िंदगी में जिसके पास होंगी वो ज़िंदगी में कभी असफल नहीं हो सकता। ये चार चीज़ें हैं प्रेम, त्याग, सेवा, समर्पण, ठीक है। तो यहाँ पे माधव सिंह भंडारी ने जो चौथा है समर्पण, समर्पण की भावना सबसे बड़ी दिखाई यहाँ पे, सबमिशन जिसको बोलते हैं, मतलब लोक हित के लिए, समाज हित के लिए उन्होंने अपने पुत्र की ही बलि दे दी, ये होता है समर्पण, ठीक है। तो इन भावनाओं को अगर अपने अंदर आप विकसित करते हैं तो आपको सफल होने से, जॉब लगना सफल होना थोड़ी है, अगर समाज में समाज के हितों के लिए आप लड़ते हैं, समाज में आपका एक अलग ही वर्चस्व है, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपस से अच्छी बातें सीखते हैं और लोग आपकी अच्छी बातों की तारीफ करते हैं, लोगों को आप ज्ञानी बना पा रहे हैं, तो इससे बड़ा सफलता मेरे नज़र में तो दूसरी है नहीं कोई, क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ करके अपने जीवन को यापन कर ही लेता है। तो ऐसे ही मनुष्य बनिए दोस्तों, क्योंकि एक देखिए ज़िंदगी में हमेशा बोलता हूँ मैं, ठीक है, आपको नौकरी पाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी नौकरी पाना और बड़ा सम्मान पाना सबसे बड़ी बात है। इन बातों को ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और मेहनत ही आपको सफलता तक ले जाएगी। देखिए मेहनत का ही एक उदाहरण है माधव सिंह भंडारी, जिन्होंने मेहनत के दम पर ही इतनी बड़े पहाड़ को चीर कर सुरंग बनाई थी। उसमें कोई अत्याधुनिक आज की तरह उपकरण भी नहीं थे, उस समय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना इन्होंने पेश किया। आपके पास तो सभी संसाधन हैं, आप तो कोई भी चीज़ यहाँ पे पा सकते हैं, बस आपके अंदर का आत्मविश्वास और आपकी मेहनत रंग लानी चाहिए, आपको करना होगा दोस्तों, तो करिए। सो जल्दी मिलूँगा, अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से स्टडी करें। मिलता हूँ जल्दी, जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि।